हेलो गाइस, एक और दिन, एक और नई सुबह, एक और नया मौका सक्सेसफुल होने का। धूप अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो आज क्या करेंगे? आज वो ही करेंगे जो अपन करते आ रहे हैं, बकचोदी। उसके साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई और बाकी देख लेना क्या क्या करूँगा। अभी तो खाना खाने जाता हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं वापस हो गया। मैं वापस उठा हूँ तो खाना खाने का टाइम हो गया। लेट्स गो। अभी ये काम चल रहा है यहीं पर। बाकी ये रहा मेरा रूम, ये रही दूसरी बाथरूम। गोवा वाली बाथरूम में काम चल रहा है तो आवाज आती रहती है। रूखा सूखा सा लगता है भाई इंदौर में। करने को चीजें बहुत हैं बट अब छोड़ो, क्या ही बोलूँ। बुद्धि है ना, सरक चुकी है थोड़ी सी। मैं बता, जिस चीज के लिए इंदौर आया था ना, वैसे तो मैं कोटा जा रहा था 11th में, जिस चीज़ के लिए मैं इंदौर आया वो चीज़ ही डिस्ट्रॉय हो गई, क्या ही बोली। बाकी व्यू चेक करो। पढ़ाई अड़ाई हो गई, एक नींद भी ले ली मैंने। अब चाय पी के थोड़ी देर बाद एक दोस्त आ रहा है मेरा, श्रेयस, उससे मिलवाते हैं। मेरे कपड़े पहन लेता हूँ। ओके, सफर का ही था मैं, सफर का रहा। अब मिलाते हैं आपको एक वीआईपी और ख़ास पर्सन से। पहले मेरे को मिल जान दो, वो है कहाँ। अच्छा हाँ, हॉस्टल लाइफ में हो ना तो जितनी मस्ती कर सके ना उतनी मस्ती कर लिया करो, मौका मिलते ही। अब मैंने किया क्या, वो जो टेंगा है ना, उसका फ़ोन एकदम से छोड़ा आया और सृजन को दे दिया और उसके जेब में डाल दिया। अब मैंने उससे बोल दिया कि उसको बताना मत कि मेरे पास है, मतलब उसके सृजन के पास है फ़ोन। और मैं उसको ये लगता है कि अभी फ़ोन मेरे पास है और मैं हॉस्टल के बाहर हूँ। और उसका कॉल आया सृजन का, मतलब उसका कॉल आया था मेरे पास, किसका, वो टेंगे का। सृजन के फ़ोन से उसने फ़ोन लगाया, कहता भाई फ़ोन से मजाक मत कर, फ़ोन दे दे। मैं कहा नहीं, अब रात में मिलेगा फोन, बाय। और कॉल काट दिया मैंने। अब वो हॉस्टल में बैठा बैठा किलस रहा है मेरे से। भाई सभी भाइयों को दिल से राधे राधे। रीतावन खड़े चांद देख लो भाई, मैं वो बातचीत कर लेना, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, है ना। तो मिलना जुलना हो चुका है, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया हमने। पता ये सब ऐसा दोस्ती यारी में ना थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, दिमाग फ्रेश हो जाता है। और मेरे जो टेस्ट की टेंशन थी और भी मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन सब की थी गायब, पता ही नहीं चल रहा, माइंड फ्रेश हो गया, तो ये चीज़ होती है। बाकी हाँ, मिलजुल लिए, अब चल रहे हैं वापस हॉस्टल, वापस पढ़ने बैठते हैं। और अभी मैं देखता देखता खड़ा खड़ा था वहाँ से, शेयर में बात करता करता मैंने देखा, मैं कहा भाई मेरी मामी भी देखती है मेरा ब्लॉग। मामी ना कहने का सेंस है, मामा मामी और मेरे जो मम्मी के साइड के हैं वो सारे ब्लॉग देखते हैं मेरा। कमेंट देखा था मैंने, एक मेरी मामी ने किया था। चलो ठीक है भाई, अब मेरे को उस हिसाब से ब्लॉग बनाने पड़ेंगे थोड़े से, बट हाँ चलो ठीक है, सही है, जो भी है।
तो अभी चलते हैं हॉस्टल, उसके बाद मिलते हैं, बाय। बाकी पीछे चांद दिख रहा है, उससे अच्छा मैं हूँ। डिनर टाइम गाइस, रात हो गई, 9:30 बज गए, खाना खाने का टाइम। खाना खाते हैं फिर व्लॉग की समाप्ति करते हैं। नहीं आया ना समझ आज का व्लॉग, खाना भी खा लिया, व्लॉग भी समाप्त। सच में नहीं आया होगा। और अभी रात के बज रहे हैं 4, नया साल चालू हो चुका है सीरियसली। तो नया साल चालू हो चुका है, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। और जितने भी लोग मेरे साथ 2023 में टिके रहे वो सब तो ठीक है, बट हाँ बाकी भगवान ना करे 2023 जैसा साल आए, ना नहीं नहीं आना चाहिए, बट ठीक है जैसा भी रहा ठीक है, अब ज़्यादा वो नहीं करेंगे। इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा ब्लॉग था, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगला ब्लॉग शूट ही कर रहा हूँ मैं, अब अच्छे ब्लॉग आएंगे मेरे 2024 स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ, 2024 मेरा है, 23 मेरा बिल्कुल नहीं था ना 22 था, 2024 मेरा है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले ब्लॉग से तो मैं एक प्रॉपर प्रॉपर दिखेगा कि हाँ है लड़का, डिसिप्लिन्ड है, डेडिकेटेड है, और तुम बाकी देख लेना, मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।